गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीति कोहली विल बी कंटिन्यू आवर थीम 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। नाउ वी टेक आवर टॉपिक 4 रिलीजियस फॉर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। उत्तरी भारत में धार्मिक परिवर्तन। ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन नॉर्थ इंडिया डाइटीज सच एज विष्णु शिवा were worshipped in temple often built with the support of rulers। इस सेम पीरियड में यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी ऐसी जो मूर्ति थी वो भी लॉर्ड विष्णु की मंदिरों में पूजा की जाती थी उनकी, और बहुत सारे रूलर्स हैं उन्होंने जिनका उन्हें सपोर्ट मिला इन मंदिरों को बनाने का या उन मंदिरों में मूर्ति स्थापित करने का। However, historian have not found evidence of anything resembling द कंपोजिशन ऑफ द अलवर्स एंड नायनार्स टिल द 14th सेंचुरी। हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस? हिस्टोरियंस या इतिहासकारों को के पास कोई ऐसा उन्हें प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये रिसेंबल हो कि वहाँ पर अलवर और नायनार्स दोनों पंथों में 14th सेंचुरी में उनमें कोई कंपोजिशन था या उनमें भेद मतभेद था। हाउ डू वी अकाउंट, किस तरह से उनमें इनके बीच में डिफरेंसेस था? सम हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट इन नॉर्थ इंडिया दिस वॉज द पीरियड वेन सेवरल राजपूत स्टेट इमर्ज्ड। कुछ हिस्टोरियंस ने ये पॉइंट आउट किया है कि नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में इस समय बहुत सारे ऐसे राजपूत राज्य इमर्ज्ड हो गए थे। इन मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड पोजिशंस ऑफ इम्पोर्टेंस। इस टाइम पर या इस समय यहाँ पर ब्राह्मण्स ने अपनी पोजिशंस को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना लिया था। परफॉर्मिंग अ चेंज ऑफ सेकुलर एंड रिचुअल फंक्शंस, जितनी भी रिचुअल फंक्शंस इनकी रस्म रीति रिवाजों को परफॉर्म करके उन्होंने अपनी स्थिति को ऑपोजिशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया था। देयर सीम टू हैव बीन लिटिल और नो अटेम्प्ट टू चेंज देयर पोजिशन डायरेक्टली। इससे ही प्रतीत होता है कि डायरेक्टली उनकी पोजिशन को इस टाइम पर कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता था। एट द सेम टाइम अदर रिलीजियस लीडर्स हु डिड नॉट फंक्शन विद इन द ऑर्थोडॉक्स प्रामाणिकल फ्रेमवर्क देयर फ्रेमवर्क वर गेनिंग ग्राउंड। इसी समय पर कुछ ऐसे रिलीजियस लीडर्स थे जिन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्डर में या इस ब्राह्मणिकल वर्क में जो रूढ़िवाद आ गया था उनके अगेंस्ट वहाँ पर फंक्शन के कार्य किए हैं। दीज इंक्लूडेड द नाथ्स जोगीज एंड सिद्धास। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम आर्टिशनल ग्रुप इंक्लूडिंग वीवर्स हु वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन। इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आर्टिशनल ग्रुप भी बन गए थे जिनमें जैसे वीवर्स भी इंक्लूड था। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए प्रोडक्शन और क्राफ्ट के क्षेत्र में। डिमांड फॉर सच प्रोडक्शन ग्रू विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। मैनी ऑफ दीज न्यू रिलीजियस लीडर क्वेश्चन दैट द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय ऑर्डनरी पीपल विच डेवलप्ड ओवर सेंचुरीज इन टू द वंस टूडे यूज्ड टूडे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिलीजियस लीडर थे जिन्होंने क्वेश्चन किया कि वेदास में उन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए और उनकी लैंग्वेजेस जो उनकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी उसमें उन्होंने उनकी लैंग्वेज में बोला। विच डेवलप जो उस टाइम पर जो उन सेंचुरीज में डेवलप हुई थी और उस टाइम पर जो आज भी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ देयर पॉपुलरिटी दीज रिलीजियस लीडर वर नॉट इन अ पोजिशन टू विन द सपोर्ट ऑफ द रूलिंग एलाइट्स। जबकि जितना भी पॉपुलरिटी थी इन धर्म लीडर्स या धार्मिक नेताओं के बारे में उनको अपनी पोजिशंस को जीतने में विन करने में
जहाँ वहाँ के रूलर जो थे उनकी शाही परिवारों का की उन्हें सपोर्ट मिली थी। अ न्यू एलिमेंट इन दिस सिचुएशन वॉज टू द कमिंग ऑफ द तुर्क विच कल्मिनेटेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिस अंडर माइंड द पावर ऑफ मैनी ऑफ राजपूत स्टेट एंड ब्राह्मण्स हु वर एसोसिएटेड विद दीज किंगडम। एक नया तत्व ये था कि सिचुएशंस में तुर्क लोग अपनी सनम सीमा पर पहुंच गए थे और दिल्ली सल्तनत में उन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट या अपना स्थायित्व बना लिया था और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पावर को भी इंक्रीज कर लिया था। और राजपूत जाति जो बहुत सारी राजपूत जातियाँ थी, राजपूत राज्य थे, वो ब्राह्मण से एसोसिएटेड थे या ब्राह्मण राज्यों से एसोसिएटेड थे। दिस वॉज अकम्पनीड बाई मार्क्ड चेंजेस इन द रियलम ऑफ कल्चर एंड रिलीजन। द कमिंग ऑफ द सूफीज सेक्शन 6 वॉज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दीज डेवलपमेंट। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कल्चर चेंज हुए धर्म के क्षेत्र में, और जो सेक्शन 6 है आपका सूफीज से रिलेटेड, वो जो डेवलपमेंट है वो इस पार्ट का एक महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट पार्ट है।